जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं कचरे के एरिया में और यहाँ पे है काफ़ी रेत और मिट्टी मिक्स, तो यहाँ पे है बाइक चलने का भी डर होता है, गिरने का भी होता है, जिस चीज़ से हम डर रहे थे। अफसोस कि हमारे साथ वो हो गया, हम लोग गिरे बहुत बुरे तरीके से, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हमें जो है किसी को भी चोट नहीं आई, क्योंकि यहाँ नीचे मिट्टी थी काफ़ी रेत थी, तो उसकी वजह से हमारी जो है बचत हो गई। कपड़े ज़रा ख़राब हो गए हैं बच्चों के, लेकिन शुक्र है कि चोट नहीं आई। तो हमारा जो है देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो ये देखने के लिए हमारे साथ हैं और हम आपको दिखाते हैं। लगता जैसे खुशबू हो रही हूँ वहाँ पे, यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं देखें आप, और ज़मीन भी रेतली है, तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो है कभी पानी नहीं आया। लेकिन हकीकतन तो ये है कि जब भी कोई सैलाब या कुछ भी होता है तो सबसे पहले पानी यहाँ पर पहुँचता है। और ये यहाँ पे रहा ट्यूबवेल, हम सोच रहे थे कि रास्ते में जो है कहीं ट्यूबवेल चल रहे होंगे तो हम लोग वहाँ से पानी लेंगे, लेकिन अफसोस के अभी तक हमें जो है ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पे जो है ट्यूबवेल चल रहे हों और हम लोग पानी लें। तो यहाँ पे तकरीबन थोड़ी आबादी है जहाँ से अब हम गुजर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ी आबादी है। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगर कहीं से हमें जो है ट्यूबवेल मिलता है चलता हुआ और जहाँ से हम पानी ले सकें। बच्चों को भी प्यास लग रही है क्योंकि मौसम है गर्मी का। तो यहाँ से गुजर रहे थे हम लोग, ये देखें ये जो है बस रोड है और ये पता नहीं कहाँ जा रहा है और किस तरह से जा रहा है कुछ पता नहीं है। तो जाते जाते हमने देखा यहाँ पे खजूर का पेड़ और यहाँ पे खजूर का दरख्त है और ये है खजूर। तो मैंने कहा कि मुझे भी प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा दिखा दूँ आप सबको भी कि ये चीज़ें जो होती हैं गाँव में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और ये हैं वो पत्ते खजूर के जो काटे जाते हैं और इनको जो है काफ़ी काम में लाया जाता है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे, आपको दिखाएँगे उसकी वीडियो बनाकर भी। तो ये देखें कि इनको जो है पहले तो ये खजूर जो होती हैं ये पक जाती हैं, पकने के बाद इनकी चुनाई हो जाती है, तो जैसे इनका सीज़न जो है आउट होता है तो फिर ये इनकी जो है सफाई की जाती है और इनके पत्ते जो हैं ये अलग किए जाते हैं, फिर इनको खुश किया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है वो भी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम पहुँचते हैं अपनी मंजिल पर जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये देखें ये है हमारा सफ़र, वो भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहें कि जिस सफ़र से हम लोग डर रहे हैं जो रास्ता है हमारा। तो हानिया भी कह रही है कि अबू आप ध्यान से, पहले भी मैं गिर गई थी तो अब आप ना आराम से चलाएं। हालांकि इनमें इसमें जो है उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि यहाँ रेत है, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इस साइड पे जो है हम लोग बहुत कम आते हैं, लेकिन आज हम आए हैं आपको यहाँ की सैर करवाने, तो सोचा हम खुद घूम रहे हैं सैर करने जा रहे हैं तो आपको भी यहाँ की सैर करवा देते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी गंदा रोड है, जगह है रंग बिरंगी और वहाँ पे रंग बिरंगी चीज़ थी, परिंदा। ये देखें यहाँ पे भी सोलर सिस्टम किया गया है और यहाँ पे भी जो है मोटर ट्यूबवेल सॉरी लगाया गया है इन सोलर प्लेटों पर, इसकी सेटिंग की गई है, यहाँ पे फ़ैन वगैरह सब कुछ चलाया जा रहा है। और यहाँ भी कोई घर वगैरह नहीं है, लेकिन ये जो ज़मीनें हैं और ये कच्चे का इलाका है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग की जाती है। तो ये सिस्टम अच्छा हो गया काफ़ी आवाम के लिए, जब से ये प्लेट्स वगैरह आई हैं काफ़ी मुश्किलें आसान हो गई हैं। तो देख सकते हैं हम जो है किस जगह पर आए हुए हैं, तकरीबन आप लोगों को जो है अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो चलते हैं, तकरीबन जो है हमने थोड़ा सफ़र तय कर लिया है अपनी मंजिल का, आगे चल के देखते हैं। हम आए हैं किसी के घर और वहाँ पे जो है हमने सुना था कि बकरियाँ हैं आला नस्ल की, हर तरह की नस्ल की बकरियाँ जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी जो है काफ़ी अच्छे से देखभाल की जाती है। तो हमें भी काफ़ी शौक़ था इनको देखने का, इनकी जो है नस्लें होती हैं, हर नस्ल की यहाँ पे बकरी है। और यहाँ पर हम आए तो हमें अच्छी लगी, तो सोचा आपको भी दिखा दें। देखें माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत कलर हैं, काफ़ी खूबसूरत नस्ल है, अच्छी नस्ल की बकरियाँ हैं यहाँ पर। और इनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं और इनकी काफ़ी देखभाल की जाती है, इनको अच्छी से खुराक दी जाती है। और जो है देख सकते हैं आम बकरियों की नस्बत जो है
ये काफ़ी अच्छी नस्ल की होती हैं और जिन्होंने ये रखी हुई हैं माशाल्लाह से वो काफ़ी इनको खुराक वगैरह देते हैं। और वाकई यहाँ जो है ये वाली जगह जो है यहाँ पे कभी भी पानी नहीं आया, लेकिन इस बार जो है यहाँ पे भी पानी है। तो पहले जो होता था बस उस जगह से जो है अगली साइड जो है वहाँ पे होता था और वहाँ पर बोट खड़ी होती थी, लेकिन इस बार ये जगह जो है ये सारी यहाँ पे भी पानी है, ये आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इस बार जो है ख़तरा है यहाँ पे फ्लड आने का, सैलाब आने का। पहले भी एक बार आया था और काफ़ी जो है तबाही हुई थी, यहाँ के बेचारे लोगों की फसलें तबाह हो गई थी। जो है इतना गिर गिर के कच्चे के एरिया से हम लोग पहुँचे हैं बड़ी मुश्किल से दरिया चनाब पे, और बच्चों का हशर आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है उनका, क्योंकि गिर गए थे हम सब। और यहाँ मुसाफिर जो है इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं उसका बोट का। तो जैसे बोट आती है और हम लोग भी यहाँ पे आके रुक गए हैं, तो हम लोगों ने दरिया के उस पार नहीं जाना क्योंकि मुझे अभी जो मेरी मामा का घर है मुझे अभी वहाँ नहीं जाना, और इसलिए हम लोग यहीं से आपको जो है यहाँ के मंज़र दिखा रहे हैं। और जब बोट आती है तो हम भी वेटिंग में खड़े हैं, वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ शुक्र है अल्लाह का। और मुसाफिरों को भी उन्होंने जो है उतारना शुरू कर दिया है खैरियत से, और जो यहाँ पे वेटिंग में है आप दोबारा उनको यहाँ से उठाएंगे और छोड़ेंगे दरिया के उस पार। जी तो ये थी हमारे दरिया चनाब की सैर जो आज हमने भी की और आप लोगों को भी करवाई। उम्मीद है कि आज का हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स शाम का टाइम हो गया है, सूरज भी अपना जो है वापस लौट गया है और अब जो है शाम हो गई है, मगरिब होने को है। तो अब जाके थोड़ा सा हम लोग हुए हैं रिलैक्स, क्योंकि सारा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, जिसकी वजह से ना तो हम ज़्यादा बाहर जा सकते हैं और ना ही सुकून होता है। और माशाल्लाह से यहाँ रात जो होती है काफ़ी ठंडी होती है, यहाँ तक कह लें कि सर्दी भी लगती है क्योंकि ये दरियाई इलाका है, दरिया के करीब है, लेकिन दिन में वो जो है रात वाली कसर जो है वो दिन में सारी हो जाती है। तो इसलिए अब शाम हो गई है और हम अब बनाने लगे हैं शाम का जो है खाना। तो हमने जो अपनी चार पहियाँ हैं, बिस्तर हैं, वो भी लगा दिए हैं क्योंकि अब हम जो है थोड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। क्या जी ये सामने जो आपको सामान नज़र आ रहा है ये है वॉशिंग मशीन का, जो कि हस्बैंड ने सेट करनी है, आज बनानी है इंशाल्लाह जो है ये आज बन जाएगी। तो इसी के साथ आज हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, आज का हमारा ब्लॉग था इतना, एंड करेंगे अपनी वीडियो का। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अपना रखिएगा खूब सारा ख्याल और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।